हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन परीक्षा जानकारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2022 एंट्रेंस एग्जाम से रिगार्डिंग जो दो मुख्य लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं उसको लेकर। दोस्त, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का मेम्बर बनिए। मैं आप लोगों को नीट जेईई जिसका भी एग्जाम लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ, साथ ही साथ ICAR और CUET से रिगार्डिंग सभी लेटेस्ट अपडेट आपको मेरे द्वारा दी जाती रहेंगी। तो दोस्त, आइए आपको बता देता हूँ फाइनली जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेईई मेन 2022 जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 5 अप्रैल का कल रात्रि यानी 4 अप्रैल के रात्रि के 12 बजे तक 8,65,000 विद्यार्थियों ने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर लिया था। और आज के दिन अभी भी 25,000 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपना नया रजिस्ट्रेशन किया, तो इसको मिला लें सब टोटल संख्या हो जाती है नियर अबाउट 9 लाख स्टूडेंट। दो 9 लाख स्टूडेंट इस बार इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप लोगों के जो कंपटीशन थोड़ी सी टफ रहेगी। और दूसरी बात है पोस्टपोन को लेकर, बहुत सारे छात्र ट्विटर पर लगातार ट्रेंड करवा रहे हैं, NTA को और एजुकेशन मिनिस्ट्री को टैग करते हुए अपनी बातों को बता रहे हैं। लेकिन NTA की तरफ से फाइनली ये कह दी गई है कि आप लोगों के जो पोस्टपोन को लेकर जो कुछ भी आप लोग ट्रेंड कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो तय समय के अनुसार ही होगा। तो आप सब अपनी पूरी तरीके से डेडिकेटेड तरीके से अपनी तैयारी को करें और पोस्टपोन के लिए आप अपना समय न गंवाएं, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है आपकी तैयारी के लिए। तो ऐसे में आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करें और जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड न्यूज़ होगी वो हम आपको बहुत जल्दी दे देंगे। तो दोस्त, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।